वेलकम बैक, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आज का वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको किसी पर्सन ने चीट किया है, जिनको किसी पर्सन ने धोखा दिया है, उनको बहुत गंदे वाला तरीके से चीट किया है, उनको छोड़ दिया है। उनके वजह से बहुत हर्ट हुआ, इनको बहुत तकलीफ हुआ। आज वैसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, अगर तुम भी वैसे लोगों में से हो जिनको किसी पर्सन ने बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है, किसी पर्सन ने बहुत बुरे तरीके से चीट किया है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखो यार, ऐसे में तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचता है। एक ये कि या तो तुम उस पर्सन को मिस करते रहो, उस पर्सन को बहुत याद करते रहो, उसके लिए आंसू बहाते रहो, उसके लिए रोते रहो, उसको रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मतलब तुम्हारे बिना मेरा ज़िंदगी अधूरा हो गया है ना, उसके सामने प्यार की भीख मांगते रहो। एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद को बदल दो, खुद को तुम पूरी तरीके से चेंज कर दो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को एक मजबूत इंसान बनाओ, खुद को सक्सेसफुल इंसान बनाओ, खुद को कामयाब इंसान बनाओ, खुद की डायरेक्शन को एकदम चेंज कर दो, है ना। पहले तुम बहुत इमोशनल इंसान थे, बहुत दिल के साफ इंसान थे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते थे, और उस पर्सन के साथ भी आपने ऐसे ही किया, उसके बारे में कभी आपने गलत नहीं सोचा, उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, लेकिन उस पर्सन ने आपको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आप एकदम अकेले हो, है ना। जिस समय तुमको उस पर्सन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, उसी मोमेंट में, उसी वक्त उसने आपका साथ छोड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद को स्ट्रांग बनाओ। पहले आप बहुत दयालु इंसान थे, पहले आप उसकी बातों पे आ जाते थे, जो भी कुछ वो पर्सन बोलता था आप उसके बातों पे बिलीव कर लेते थे, उसके बातों को मान लेते थे, उसके बातों पे ट्रस्ट कर लेते थे। लेकिन अब आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो पर्सन अगर आपके सामने आके मर भी जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, और नहीं तो उसको उसके नज़रों में सही साबित होने दो कि वो तुमको छोड़ के जिस समय गया था या जिस समय छोड़ के गई थी वो सही थी, उसका जो उठाया हुआ कदम था वो सही था तुमको छोड़ने का। तुम एक बेवकूफ़ और तुम एक कमज़ोर इंसान हो, तुम अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उस पर्सन ने तुमको छोड़ दिया और वो अपने जगह पे सही था। यही दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप उस पर्सन के सामने उसको अपने नज़रों में सही साबित होने दो कि जो उसने दो डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का, आपसे अलग होने का, वो सही था क्योंकि आप उसके एक लायक नहीं थे, आप उसके कैपेबल नहीं थे। और नहीं तो खुद को बदल दो, खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में बनाओ, खुद को इतना कामयाब इंसान बनाओ कि उसको इस चीज़ का एहसास हो कि वो तुम्हारे काबिल नहीं था या वो तुम्हारे काबिल नहीं थी।